मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा। आप बताइए, आज अमेरिका की अर्थनीति डगमगा रही है कि नहीं? आज यूरोप की अर्थनीति पीछे जा रही है कि नहीं जा रही है? आज जापान की अर्थनीति पिछड़ रही है कि नहीं पिछड़ रही है? आज चीन की अर्थनीति पिछड़ रही है कि नहीं पिछड़ रही है? दुनिया में कोरोना की मार और यूक्रेन के युद्ध की मार हर एक अर्थनीति को मुसीबत में डाले हुए है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 5 साल में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। और आपसे मेरा निवेदन है, अनंत नायक को आपने दिल्ली भेजना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ऑटो में गाड़ियां बनाने में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है, दवाई बनाने में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। आज दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। आज स्टील में भारत दूसरे नंबर पर बना है, दूसरे नंबर पर बैठा है। और आपको जानकर खुशी होगी, आपके पास जो मोबाइल है ना, मोबाइल 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन कोरिया। आज आपके मोबाइल पे लिखा है, देख लेना, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। आज एप्पल भी भारत में बन रहा है। और मुझे खुशी है कि आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो नरेंद्र मोदी जी के नीतियों ने दी है, नीतियों ने ताकत दी है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।